हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ECS इंग्लैंड T10 लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा स्पेंसर वर्सेज वाइमब्लोंट के बीच में। देखो भाई लोग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो जैसे पिछले मैचों में हम लोगों ने ताबड़तौर प्रॉफिट किया है, इस मैच में भी हम लोग ताबड़तौर प्रॉफिट करके जाएंगे। आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको विनिंग टीम के बारे में बताई जाती है और विनिंग टीम दी जाती है। जैसे पिछले मैचों में ताबड़तौर प्रॉफिट किया है, इस मैच में भी हम लोग ताबड़तौर प्रॉफिट करेंगे। जो भी बंदे वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं उनका टीम बेहतरीन बनता है और अच्छा प्रॉफिट भी करके जाते हैं, क्योंकि विनिंग टीम के साथ जाते हैं। यहां पे हम आपको बताते हैं कि भाई अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपको बताते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी को करना है और कौन से ऐसे लॉजिकल परफेक्ट खिलाड़ी होंगे, उस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यूज कीजिएगा तो आपका टीम बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है। हम आपको बताते हैं भाई कि आपको अपना टीम कैसे बनाना है और कितने खिलाड़ियों का मेंशन करके चलना है। हम आपको यहां पर बताते हैं कि आपके 8 से 9 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं यहां पर ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा भाई, लेकिन अगर आप उसे अपने टीम में यूज करते हैं तो आपका टीम जो है बहुत बेहतरीन बनता है और ताबड़तौर प्रॉफिट करने वाला बनता है। तो कैसे आपको यूज करना है वो हम आपको बताते हैं यहां पर, तो आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। देखो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी ताबड़तौर प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको ताबड़तौर विनिंग वाली टीम मिलती है जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिट करें ना कि आप लॉस करके जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना भाई, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है और टेलीग्राम पे आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको यहां पर फाइनल टीम के साथ साथ पीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर मैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर प्लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी जानकारी होती है सारा जानकारी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं जिससे कि आपको फायदा हो ना कि आपको नुकसान हो, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ना काफी जरूरी है, आप हमें टेलीग्राम पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो फिर आपको बहुत सारा बेनिफिट और यहां पर न्यूज देखने को मिलता है। चलो देखो भाई, अब जो मैच खेला जाएगा आज का वो खेला जाएगा SPE वर्सेस WI के बीच में। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये पिच कहां पे है और कैसा रहने वाला है, पिच बल्लेबाज को सपोर्ट करता है या फिर बॉलर को सपोर्ट करता है, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किस स्थिति में कैसे करना है और कितने खिलाड़ी कॉम्बिनेशन करके चलना है वो हम यहां पर देख लेंगे। तो पहले हम यहां पर पिच का बिहेव देख लेते हैं कि पिच का बिहेव कैसा रहता है और किसको सपोर्ट मिलने वाला है। तो देखो भाई, ये विंबलडन में मैच खेला जाएगा और यहां पर अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे भी अपडेट आएगा वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे और उससे हम आपको बता देंगे कि क्या मैच का बिहेव कैसा रहने वाला है, पिच का बिहेव कैसा रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, आज अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में आज के मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हैं। तो यहां पर हम आपको टोटल 4 खिलाड़ी देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करने के लिए, वो हम आपको बता दें और कैसे यूज करना है वो देख लो। टीम 1 में आपको क्या करना है भाई, टी जॉनसन के साथ, जी बॉयली के साथ और यहां पर दूसरी टीम में आपको सी विंपल के साथ और सी केयर के साथ, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करना है और टीम 1 में ये दोनों खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करना है। ये आपके लिए आज के मैच में परफेक्ट जो टॉप पिक रहने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, जो बेस्ट रहने वाले हैं वो आज के मैच में ये खिलाड़ी रहने वाले हैं। आप इसे अपने टीम में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छा प्रॉफिट भी करके जा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उस खिलाड़ी को कैसे यूज करना है। अगर आप अपने टीम में उसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम जो है बहुत अच्छा बनने वाला है और यकीन मानिए आप उसे अच्छे प्रॉफिट भी करके जा सकते हैं। तो कौन सा ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करना है वो हम आपको बता दें और यकीनन आप अच्छा प्रॉफिट भी करके जाएंगे। तो यहां पर हम आपको टोटल 5 खिलाड़ी देंगे एज अ पंटर यूज करने के लिए, कैसे यूज करना है पंटर वो देख लो। आपको टीम 1 में क्या करना है, आपको जाना है सी बोथ के साथ, एल पेटरनोट के साथ और टी बार्कर के साथ। ये 3 खिलाड़ी को ना अपने टीम में आज के मैच में आप पंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे टीम में आपको क्या करना है, आर लैम्प को और यहां पर एम बैनिंग को, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में ट्रम्प कार्ड के लिए यूज करना है, ट्रम्प कार्ड पिक आपको इसे उठाना है ये 2 खिलाड़ी को और ये 3 खिलाड़ी को अपने टीम में एज अ पंटर यूज करना है। तो टोटल आपके पास 5 पंटर हो गए। देखो भाई, आपको पता है कि हर मैच में हाइएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी आपको नहीं जिताते, हाइएस्ट सिलेक्शन वाले आपके रैंक को बस मेंटेन करते हैं और जो लोएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी होते हैं वही आपके रैंक को पुश करते हैं और टॉप 10 में पहुंचाते हैं। तो आपको इन सब खिलाड़ी पर ध्यान देना काफी जरूरी है। चलिए अब बात कर ले कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है और कितने खिलाड़ी कॉम्बिनेशन करना है, किस तरह से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं वो जरा सा हम यहां पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने फिलहाल यहां पर जो अपने टीम में यूज किया है वो किया 6-5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई लोग, जिसमें से विकेट कीपर के तौर पर 1 विकेट कीपर हमने यूज किया है ए मैक्रोपर्सन को और बैटर में हमने यहां पर 3 बैटर यूज किया है। यहां पर देखेंगे जे बॉयली को और टी जॉनसन को, एल पेटरनोट मेरे टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर में फिलहाल
हमने यहाँ पर चार ऑलराउंडर यूज किया है, सी विम्पल को और आर लैम्प को और सी निकम मेरे टीम में होने वाले हैं और एच पैगली मेरे टीम में होने वाले हैं। बॉलर में हमने यहाँ पर तीन बॉलर यूज किया है, एम बैनिंग को और यहाँ पर जे एस पेलर को और सी कैर मेरे टीम में होने वाले हैं। इसमें से कैप्टन के तौर पर हमने सी कनिंगना को यूज किया है और सी वाइपल को वाइस कैप्टन तौर पर इस्तेमाल किया है। देखो भाई लोग, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे, आप हमें टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।